हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ चैताली। आप सबको मेरे गार्डन में स्वागत है। आज मैं आप सबको दिखाऊंगी मेरे गार्डन की बुगेनविलिया की प्लांट। और मेरे पास 5 डिफरेंट कलर की बुगेनविलिया की प्लांट है, लेकिन उनमें से तीनों में ही अभी फ्लावरिंग चल रही है। तो बहुत सारे फ्लावर्स मेरे प्लांट में खिले हुए हैं, तो मैंने सोची कि मेरे फ्रेंड्स लोगों के साथ ये मैं शेयर करूँ कि वो लोग भी इस तरह ज़्यादा फ्लावरिंग कैसे पा सकते हैं। तो आज की वीडियो के मेरे टॉपिक है कि आप कैसे बुगेनविलिया से ज़्यादा फ्लावरिंग पा सकते हैं, कैसे आप इसकी केयर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को मैं शुरू करती हूँ। बुगेनविलिया प्लांट से आप साल भर फ्लावरिंग पा सकते हैं। सिर्फ विंटर सीजन में ये प्लांट डॉर्मेंसी पीरियड में चले जाते हैं, यानी कि दिसंबर जनवरी महीने में ये प्लांट डॉर्मेंसी पीरियड में रहते हैं, तब इनमें फ्लावरिंग आती है। लेकिन बाकी 10 महीने इसमें फ्लावरिंग होती ही रहती है। तो साल भर बुगेनविलिया प्लांट से फ्लावरिंग पाने की मैं आज आप सब से 5 टिप्स शेयर करूँगी। तो अगर आप मेरे इस 5 टिप्स को फॉलो करेंगे तो देखेंगे कि प्लांट में फ्लावर से भर जाएंगे और महीने के 10 महीने ही आपकी गार्डन कलरफुल बनी रहेगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद एक लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और जो लोग पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, वो लोग प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब बटन के नीचे जो बेल आइकन है वो दबा दीजिएगा। वो दबाने से मेरे सारे वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगी। तो दोस्तों, टिप्स नंबर 1 पे है सनलाइट। बुगेनविलिया प्लांट को सनलाइट बहुत पसंद है और ये एक कैक्टस टाइप के प्लांट है। सभी कैक्टस प्लांट को सनलाइट पसंद होती है। मेरे प्लांट्स अभी टॉप फ्लोर में रहते हैं और पूरे दिन के डायरेक्ट सनलाइट इस प्लांट को मिलती रहती है। अगर आप इस बुगेनविलिया प्लांट को शेडी एरिया में रखते हैं तो देखेंगे कि प्लांट की ग्रोथ तो बहुत ही अच्छी होगी, लेकिन इनमें फ्लावरिंग नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, बुगेनविलिया प्लांट के लिए सनलाइट इज मस्ट। आप जहाँ भी रखते हैं इसे सनलाइट मिलती रहे। टिप्स नंबर 2 है वाटर। बुगेनविलिया प्लांट को ज़्यादा पानी पसंद नहीं है। अगर आप इनमें ज़्यादा पानी देंगे तो ये प्लांट मर भी सकते हैं। इसीलिए आप जब देखेंगे कि प्लांट के लीव्स मुरझाए हुए हैं और इसके टॉप सॉइल पूरे ड्राई हो चुके हैं, तब भी आप इनमें पानी देंगे। ये देखिए मेरे और एक प्लांट की फ्लावरिंग। मैं तो 3-4 दिन बाद एक बार पानी देती हूँ। अब है टिप्स नंबर 3, प्रूनिंग, जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बुगेनविलिया प्लांट में ज़्यादा फ्लावरिंग पाने की। सालों में 2 बार बुगेनविलिया प्लांट को प्रून करना चाहिए। एक बार फरवरी महीने में और एक बार अगस्त महीने में। एक बार इस प्लांट को लाइट प्रूनिंग करनी चाहिए और एक बार हार्ड प्रूनिंग। और जब भी आप प्रून करेंगे, ये देखिए मेरे प्रून करने की एरिया, तो देखेंगे प्रूनिंग की गई जगह से ही न्यू शूट्स निकलेगी और उसी शूट में ही न्यू फ्लावरिंग होगी। तो ये देखिए मेरे सभी जगह जहाँ पर मैंने प्रून की थी अगस्त महीने में, उसके बाद ही इस प्लांट में फ्लावरिंग स्टार्ट हुई है। तब मैंने इस ब्रांच को लाइट प्रूनिंग की थी। अब दोस्तों, इस ब्रांच को देखिए, ये जो ब्रांच है इनमें कुछ ही दिन पहले ही फ्लावरिंग खिल चुके हैं और इसमें दोबारा फ्लावरिंग नहीं होगी, इसलिए मैं इस पूरे ब्रांच को कट कर दूंगी यहाँ से। और यहाँ से कट कर देने से इसी जगह से ही नई शूट निकलेगी और नई शूट में ही फ्लावरिंग होगी फिर से। ये देखिए, मैं इस प्लांट को अब हार्ड प्रूनिंग करूँगी। और प्रूनिंग करने के बाद आप इस कटे हुए ब्रांचेस को
मत फेंकिए, इसे भी किसी पॉट में लगा दीजिए तो देखेंगे ये फिर से ग्रो कर जाएगी इस कटिंग हुई ब्रांच से। मैंने की है, मैं आप सबसे वो भी शेयर करूँगी इस वीडियो के एंड में। और एक बात, प्रून करने से आपके प्लांट की शेप भी बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में। ये देखिए मेरे इस प्लांट की स्टेम कितने मोटे हैं, और ये बहुत ही पुराना है, 3 साल हो गए हैं इसका। और ये देखिए इसका शेप कितनी ब्यूटीफुल है। तो दोस्तों ये देखिए और एक प्लांट, इनको भी मैंने हार्ड प्रूनिंग कर दी है और बहुत सारे न्यू ब्रांचेस निकल रही है। तो फ्लावरिंग ज़्यादा पाने के लिए प्रूनिंग एकदम मस्ट है। आपको प्रूनिंग करने से ही न्यू ब्रांचेस मिलेगी और न्यू ब्रांचेस में ही फ्लावरिंग खिलेगी। टिप्स नंबर 4, और वो है पॉट। आप बोगनविलिया प्लांट को 6 से 8 इंच तक की पॉट दीजिएगा। जितने ज़्यादा प्लांट ट्रेस में रहेगी उतने ज़्यादा ही प्लांट्स में फ्लावरिंग होगी। मैंने यहाँ पर 8 इंच की गमले पर मेरे सभी प्लांट को रखी है और देखिए बहुत ही अच्छे फ्लावरिंग हो रही है। पहले से ही आप अगर ज़्यादा बड़े से पॉट में प्लांट को दे देंगे तो प्लांट अपने ग्रोथ में ही सारा एनर्जी लॉस कर देगी और फ्लावरिंग कम हो जाएगी। इसीलिए 8 इंच के गमले में ही इस प्लांट को दीजिएगा तो देखेंगे कि इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी। टिप्स नंबर 5, और वो है कंपोस्ट और फर्टिलाइज़र। बुगेनविलिया प्लांट में ज़्यादा फ्लावरिंग पाने के लिए हर महीने मैं ये करती रहती हूँ। प्लांट की जो सॉइल है उसको एक टूल के सहारे इस तरह से गुराई कर देती हूँ ताकि ऑक्सीजन मिट्टी के अंदर जा सके। करने के बाद मैं इस पर वर्मी कंपोस्ट और जो हार के चूर्ण होती है यानी कि बोन डस्ट, वो एक साथ मिलाकर देती हूँ इस तरह से। ये देखिए ये है वर्मी कंपोस्ट और ये है बोन डस्ट, दोनों को एक साथ मिलाकर मैं हर महीने ही मेरे प्लांट की जो टॉप सॉइल है वहाँ पर दे देती हूँ। इसके साथ साथ मैं सरसों की जो खाली भिगोई हुई पानी है वो 15 दिन के अंतर अंतर फर्टिलाइज़र में भी देती हूँ, और NPK 19-19-19 के 1 ग्राम लेकर 1 लीटर पानी में घुलकर वो एक स्प्रेयर के सहारे पूरे प्लांट में मैं स्प्रे कर देती हूँ बहुत अच्छी तरीके से। खाद की इस मिक्सचर को दे देने के बाद सॉइल के थोड़ा प्रेस कर दीजिएगा और उसके बाद थोड़ा पानी इसमें डाल दीजिएगा। तो फ्रेंड्स ये रहा मेरे 5 इम्पॉर्टेंट टिप्स, जो आप फॉलो करते हैं तो देखेंगे कि आपके प्लांट्स में भी बहुत ज़्यादा बोगनवेलिया की फ्लावरिंग होगी। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने जो भी कटिंग्स की थी प्लांट्स की वो भी लगा दी है पॉट्स में, तो वो भी चल पड़े हैं ये देखिए। और ये मैच्योर प्लांट की ब्रांचेस मैंने लगाई है इसीलिए देखिए इनमें भी छोटे छोटे फ्लावरिंग हो रही है। तो आप भी कटिंग्स को मत फेंकिए, किसी पॉट में लगा दीजिए तो वो भी चल पड़ेगी इसी तरह से। तो फ्रेंड्स इस 5 टिप्स को आप भी फॉलो कीजिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बोगनवेलिया प्लांट में ज़्यादा फ्लावरिंग पाने के लिए। मैं तो यही करती हूँ इसीलिए आप सबसे शेयर भी की है। ये देखिए आप देख ही सकते हैं सामने जो प्लांट है इनमें पत्ते कम है और फ्लावर्स ज़्यादा है।
तो मेरे इस टिप्स को फॉलो कीजिए और आपके प्लांट में भी आप ज़्यादा बोगेनविलिया की फ्लावर्स पाइए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मुझे एक लाइक और कमेंट्स कीजिएगा, और जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक।